जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। जय केदार ध्वनि रे कंपिला केदारनाथ का पीठ। आदि शंकराचार्य का भव्य मूर्ति रो लोकार्पण कले प्रधानमंत्री। शंकराचार्य का चेतना भारत विकास रो प्रेरणा। चारि धाम रो जोड़ी हेले साधु संत ओ असंख्य श्रद्धालु। पुरी रा गोवर्धन पीठरू जोड़ी हेले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सकाळे उत्तराखंड केदारनाथ का पीठरे बाबांक जलाभिषेक करिसंती। यहाँ परे आदि शंकराचार्य मूर्ति रा लोकार्पण करी तांक मूर्ति सम्मुखरे प्रार्थना करिथिले। यहाँ तांकु एक दिव्य अनुभूति प्रदान करिछि। शंकराचार्य चेतना भव्य भारत विकास को जागृत करि पारिछि बोली निज उद्बोधन रे कहिसंती प्रधानमंत्री। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल बते मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य तांकर असाधारण जीवन शैली माध्यम रे भारत वर्ष को केवल धार्मिक चेतना नुहे एहा सहित देशर एकता और निरापत्तार आह्वान देथिले। भारत सहित विश्वर कल्याण पै निरंतर चिंता करथिले आदि शंकराचार्य। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहर्निश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। प्रधानमंत्री का संबोधन देशर हिंदू संस्कृति रो पुनरुद्धार को दर्शाउछि बोली एही अवसर रे प्रधानमंत्री का सह उपस्थित थिबा महासंत स्वामी बलकान और स्वामी चिदानंद सरस्वती प्रकाश करथिले। अगर संस्कृति होगी, संस्कार होंगे तो भारत जिंदा रहेगा, भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। आप सोचते दिवाली की रात उस सैनिकों के साथ थे। और आज वो सैनिक हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और जिन्होंने संस्कृति की सुरक्षा की शंकराचार्य जी उनकी समाधि के पास आकर वो अपना माथा नवाते हैं। ये है इस देश का प्रधानमंत्री। मुझे लगता है ये इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास ऐसा प्रधानमंत्री है। युवा वर्ग यदि अपनी उन्नति के मार्ग को अपनी उन्नति के शिखर तक जाना चाहता है तो उसे सनातन धर्म की संस्कृति और सनातन धर्म के संस्कारों को अपने अंतःकरण में धारण करना पड़ेगा। ये आज प्रधानमंत्री जी ने समस्त विश्व को जोड़ा। सड़क परियोजना द्वारा देश के चारि धाम को हाईवे द्वारा संयुक्त करा जिबार प्रस्तुति आरंभ करा जायछि। एहा द्वारा श्रद्धालु मानंका पई चारि धाम रा यात्रा बहु सुविधा रे होई परिबो बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। केदारनाथ धाम रे प्रधानमंत्री का एही अभिभाषण सहित देशर चारि धामरु विशिष्ट नेता संत और श्रद्धालु गण वर्चुअल माध्यम रे जोड़ी होइथिले। तेबे एही अवसर रे देशर चारि धाम मध्य रे अन्यतम पुरी धाम रा गोवर्धन पीठरु केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रधानमंत्री को केदारनाथ पीठ कार्यक्रम रे जोड़ी होइथिले। अखंड भारत पई आदि शंकराचार्य अवदान को मने पकाइथिले केंद्र मंत्री। आम समस्त गौरव विषय देशर प्रधानमंत्री जेतेबेले समग्र समाज आस्था केदार बाबा पाखे निजर पूजार्चना करी समर्पण भाव देखले भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा भारतीय विचार पद्धतिर जहाँ कि 2500 वर्ष पूर्वर आदि शंकराचार्य कम बयसरे चारि धाम प्रतिष्ठा करथिले वेद उपनिषद रो वाचन करथिले ताकु परिप्रकाशित करथिले। एही अवसर रे देवभूमि उत्तराखंड पई अनेक विकास मूलक पैकेज घोषणा करबा सहित आउरी अनेक प्रकल्प रो शुभारंभ करिसंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट,
आर्गस न्यूज।